हे गाइस ग्रेट पैडर और कैश सी ऑफ से लोग और आज हम लोग वापस से खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट वन ब्लॉक सो यस मैंने यहाँ ज़मीन पूरी चेंज कर डाली है स्लैब लगा के ये जो मेरे पास इतने सारे थे वो वेस्ट लैंड वाली बायोम से मिले थे सो so, मैंने काफ़ी कुछ चेंज किया है एंड मेरे को पता चला था कि मेरे इधर टू स्टेयर्स लगे हैं और इधर मैंने पेड़ लगा रखे उधर थ्री स्टेयर्स का वो मैंने पूरा पेड़ रखा है सो so, उसका भी चेंज करना पड़ा बहुत सारे चौंसले हुए बट ये शायद मेरे लिए जो मैं सीरीज़ चालू किया सबसे ज़्यादा अनलकी है बिकॉज मेरा यहाँ पे लाइब्रेरियन गायब हो चुका है आउट ऑफ नो वेयर लाइक लिटरली मैं वहाँ पे बस सोया था बस उसके बेड पे और अगले दिन मैं उठा और वो गायब हो चुका था तो लोग समझ सकते हो क्या क्या सीन हो रहा है और दूसरी चीज़ मेरी कैट मर चुकी है पता नहीं कैसे यहाँ पर मतलब है नहीं अब मरी है कि नहीं वो नहीं पता मेरे को बट वो फार्म पे मैंने उसे बैठा रहा था और वो फार्म पे नहीं है मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है मैं बहुत सैड हूँ जहाँ पे वॉन्डरिंग ट्रेडर आया था उसके पास एक ढंगी ट्रेड थी तो मैंने इसीलिए थोड़े से एम्ब्रॉड कलेक्ट किए और मैं इससे ये शुगर केन लेने वाला हूँ मैंने अपने लाइब्रेरियन के लिए सोचे थे अरे मैं बस नाम पता कर रहा था ये कैसे परचेज हो गया और मेरे को शुक्र क चाहिए थे पर चलो ठीक है एक ही एमराल्ड में मिल रहे हैं चार काफ़ी है मेरे लिए सो so गाइज मेरे को प्लीज़ बताओ कि मेरे को अब विलेजर कैसे मिलेगा क्योंकि कुछ लेवल्स और बची हैं एंड आई होप मेरे को एक विलेजर और, और मिल जाए और मैं भी भाई इतना भाई मेरे अंदर बिल्कुल दिमाग नहीं मेरे को पहले उन लोग के बीच कुछुरुचुर कुछ करवा देना था जिससे वो एक से दो होगा हो जाते बट मैंने सोचा अभी के लिए नहीं करते हैं बाद में देखेंगे और उसके चक्कर में मेरा एक विलेजर जा चुका है अब और वो भी पता नहीं कहाँ मतलब मैं अगले दिन सुबह उठता हूँ और वो गायब है और वो चीज़ मैंने नोटिस तब करी जब मैं वापस गया था अगले दिन उसमें सोने और मैंने देखा यहाँ तो विलेजर ही नहीं है और मेरे को ये भी पता है कि बाहर निकल नहीं सकते आयरन गेट मैंने लगा रखा है सो so, अब मेरे को कोई आइडिया नहीं मेरे को विजर्स कैसे मिलेंगे और अगर विलेजर नहीं मिलते हैं तो आई डोंट थिंक मैं कुछ ज़्यादा कर पाऊँगा मैं यही कोशिश करूँगा कि इस एक बच्चे विलेजर को मैं खिलाता पिलाता रहूँ और इसको चेंज कर लेंगे जे उसमें क्लियर कॉन होता है जो देता है हम लोग को एंडर आए तो वो उसे एंडर आए परचेज़ कर लेंगे ब्लेज मिल जाएगी फिर हम लोग ऐसे ही जाएँगे लड़ मैं क्या करूं भाई इतना मैं घुचड़ूँ ना मैं अपने आप को इतना सो इस आज का मेरा मेन टास्क माइनिंग ही होने वाला है जैसे मैं लेवल अप कर पाऊँ बिकॉज ये जो डीप वाटर्स आया है इसमें बहुत टाइम लग रहा है ब्लॉक्स को खोदने में सो अल्ट्रा मे बेस्ट है भाई साहब ये क्या बोलते हैं इसे इसकी बस साइड से हटना है इसका मैं मरा भाई वो ज़्यादा डैमेज नहीं दे रहा है गार्डियन बोलते हैं शायद इन्हें ना मेरे को पता नहीं हाँ तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं स्नो वाली लेवल तक पहुंच जाऊं बिकॉज आई हैव अ होप कि स्नो वाली लेवल पे हम लोग को एक विलेजर मिल ही जाएगा वरना मेरे लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो चुकी है अब मतलब सब चला जाता कोई दिक्कत नहीं डायमंड चले गए थे कोई बात नहीं अब विलेजर जा चुका है विलेजर सबसे मेन था और मैंने शुरू में ही उनके बीच वो नहीं करवाया <laughs> तो अब वो अकेला ही बचा अकेले वो कितना मेरे को सामान दे पाएगा सो so, यस yes, आज हम लोग लेवल अप करते हैं बैठ के ओ भाई गिर भी नहीं रहा मेरे को इसने वो दे दिया माइनिंग फटीक शायद भाई साहब हाँ शेट बट चलो कोई बात नहीं है। मैं मिल्क पी लेता हूँ जाके माइनिंग फटीग थ्री चार मिनट का है कोई नहीं कोई नहीं मैं बकेट ले जाता हूँ मिल्क ले लेता हूँ मिल्क पी लेता हूँ टाइम थोड़ी ना वेस्ट करेंगे मेरी अकेली मशरूम का मैं आ गया हूँ बछड़ा ये, ये कहाँ से आया थैंक यू फॉर मिल्क चला गया माइनिंग फटीग सॉरी कुछ भी नहीं आई मतलब कोई भी चिकन नहीं निकली शेट एक तो मेरा कॉन्फिडेंस मोटिवेशन सब कुछ इतना लो हो चुका है इस सीरीज को लेके क्योंकि सब कुछ चला गया मेरे पास से मेरे को तो लग भी नहीं रहा मेरे को कुछ मिलेगा वैसे मेरा मेन फोकस है एंडर ड्रैगन को मारना और घर भी शायद मैं बना लूँ अब तो घर का भी कोई फ़ायदा नहीं वो एक जो उसका चार्म होता है ना वो सब जा चुका है और मैं क्या करूँ <laughs> मेरे पास कुछ भी नहीं है आई <laughs> होप uh, मेरे को मिल जाए विलेजर जल्दी फिर मैं बताऊँ इतने विलेजर करूँगा उस दो विलेजर्स से किसी ने सोची ना होगी <laughs> कितनी नेगेटिव वाइब्स दे रहा हूँ ना मैं चलो सब हुआ हो गया आप हम लोग वापस से अपने पॉजिटिव मूड में आते हैं तेल लेने जाएं विलेजर्स सो <sighs> so, अभी हम लोग ऑलमोस्ट शायद ख़त्म करने वाले हैं ये फेस मैं काफ़ी देर से मतलब माइंड कर रहा हूँ और ये छोटा टर्टल भी आ गया अपने पास एंड आई ट्राई कि मैं इसको लीड या लीड से खींचता है क्या मेरे को पता नहीं है मेरे को माइंड के बारे में कुछ क्यों नहीं पता है मतलब मैंने खेला बहुत है बट मेरे को ऐसी चीज़ों के बारे में कुछ नहीं पता है so stupid. टर्टल दू। ओके नहीं आ, नहीं तू आ सकता अब बैंस की तुम गिर भी जाओगे तो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता भाई मतलब कोई बात नहीं हम लोग के पास बहुत सारे पेट्स हैं टर्टल की कोई ज़रूरत नहीं है अपने को ये ज्यादा से ज्यादा वो स्क्यूट देगा बट जब तक इसकी फैमिली के लोग नहीं आ जाते तब तक ये अकेला कुछ नहीं कर सकता है। ये एक पागल टर्टल है तो हम लोग वापस से माइनिंग करते हैं इसको यहीं पड़ा रहने दो, तो कितनी आगे जा पाएगा शेह टर्टल यू आर ओ oh, मछली 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 मैं इसको नहीं पकड़ सकता वैसे तो इतना एक्साइटमेंट दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है बकेट ऑफ वाटर से मैं इसे ले सकता हूँ बट अब तक वो मर गई होगी मेरे को पता था बट अब अगली बार हम लोग तैयार रहेंगे <laughs> बट अब आएंगे ही नहीं शायद मैं इतना नेगेटिव क्यों भाई आएगा सब आएगा ठीक है आ, <laughs> सो so गायस मैं यहाँ पे डायमंड पिकैक्स बनाने जा रहा हूँ नो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा डिसीजन है बट मेरे को ये लेना पड़ेगा मैं कब तक जूझूँगा ये आयरन के साथ तो आयरन तो एक ही बचा है मेरे पे। बस मैं एक अब शवल बना सकता हूँ तो मैं इस विलेजर के लिए थोड़ा सा माल पानी लाया हूँ क्ले जिससे ये अपनी लेवल अप कर डालें हो गई ये पी सो so, मेरा प्लान है मैं इस विलेजर को पूरी फैसिलिटी दूंगा इसे ट्रेड करता रहूँगा इसको टाइम टू टाइम ब्रेड भी दूंगा जिससे ये कहीं ना जाए उस विलेजर की तरह क्योंकि इसका मेरे को बहुत ध्यान रखना है अब यही मेरी आखिरी उम्मीद है और अगर कैस आपको बैकग्राउंड में किसी पिजन की आवाज़ आ रही हो तो सॉरी मेरे रूम के बाहर एक पिजन बैठा है आके सो मैं कुछ नहीं कर सकता वो उसको मेरे को भगाना भी नहीं मेरे को अच्छा नहीं लगेगा वो चला जाएगा बहुत क्यूट है वो आता रहता है कभी कभी हम लोग वापस से चालू कर रहे हैं अपनी माइनिंग और अगर तुम मेरे से कोई भी सोचता है कि मेरी एकदम से एक्सपी कहाँ चली जाती है सो मैं वॉइड में कूद जाता हूँ यस yes. जैसे मेरे पास खाने की कमी होती है मैं तुरंत तो वॉइड में चला जाता हूँ <laughs> जिसकी जगह मेरे को खाना चाहिए खाना जितना मेरे खाना खाना रखा है उसको खा खा के मेरे को खा खा खाना खाना हो <laughs> मेरे को ये लेवल इतनी बोरिंग लगती है ना मतलब इतनी स्लो स्लो ब्लॉक्स माइन हो रहे हैं मैं इसको कैसे बचाऊं अरे ओके नहीं बचा सकता अब मैं इसे मारूंगा जाओ बिकॉज <laughs> स्लैब्स पे पानी नहीं ले कर सकते तो अब बेटर यही है कि हम लोग माइनिंग पे वापस से आ जाए ओ चेस्ट नाइस इस टी एन टी मैप क्या होगा इसमें अन्य है तो कुछ भी नहीं होगा ऐसे होगा ओ मेरा बेस कितना अच्छा लग रहा है <laughs> देखो मस्त लग रहा है झूठ नहीं बोलूंगा वो ये अपना फार्म कितना डोप लग रहा है भाई साहब my prediction was रॉन्ग ये लेवल बहुत आगे तक जा रहे ओ ड्राउन हेलो ये मेरा पास क्यों नहीं आ रहा मारो मेरे को मुझे मारो ये फ्रेंडली है मेरे को पता है ये जो मॉड मैंने डाला है वन ब्लॉक इतना ज़्यादा दिमाग खराब कर रहा है इसमें सब कुछ अजीब सा क्यों हो रहा है देखो ये मॉब मेरे को मार नहीं रहा था फ्रेंडली मॉब हम लोग वापस से माइनिंग करने वाले हैं <laughs> ओ भाई साहब गार्डियन नीचे जाओ प्लीज भाई बहुत डैमेज दे दिया मैं मरा ही मरा मैं मरा ही मरा जाते जाते मेरी डायमंड पिकैक्स चली गई नीचे सब इधर पड़ा रहा डायमंड पिकैक्स नीचे गिर गई <laughs> भाई मेरे को नहीं खेलना और ये गेम ना वन गिव अप आई एम वेरी टायर्ड ऑफ दिस शिट भाई हमेशा मेरी डायमंड की चीज़ों को क्यों टारगेट कर रहे हो तुम लोग मतलब क्या मेरे पे कोई कर्ज वर्स है क्या कि मेरे को इस सीरीज़ में इतना तड़पाओगे मेरे को लिटरली कुछ ही मिनट्स हुए थे आधा घंटा हुआ होगा लगभग वो डायमंड की पेकैक्स बना और वो भी चली गई क्या फ़ायदा भाई फिर मेरे को इस सीरीज पे भाई साहब अप करना है आई एम डेड सीरियस मैं इतना थक चुका हूँ ये सब देखते देखते और मैं बोर हो गया हूँ विलेजर के बेड पे सोते सोते तो मैं जा रहा हूँ वूल लेने शीप से सेकंड अगर मैं मशरूम शेयर तो क्या होगा मशरूम मिलेंगे मेरे को What? कोई बात नहीं कोई बात नहीं बिल्कुल भी कोई बात नहीं है बस काव अब तुम ये मशरूम अपने ऊपर फिर से चिपका लो वरना अब मेरा मूड भाई ख़राब हो गया मैंने क्या कर दिया मैं मैं क्या हरकतें कर रहा हूँ मेरी मशरूम का भी जा चुकी है अब मैं श्योर हूँ मेरे को और मशरूम काउज नहीं मिलने वाली हैं वो स्वाम्प में मिली थी बस मेरी एक अकेली मशरूम का भी जा चुकी है कैट भी जा चुकी है विलेजर भी जा चुका है मैं क्यों बचाऊँ मेरी डायमंड पिकैक्स भी जा चुकी है इतना दुख मैं कहाँ लेके जाऊँ एक सेकेंड वाट मेरी शीप कहाँ गई यहाँ से भाई ये मॉड कर्सड है मैं बता रहा हूँ इससे टट्टी मैंने आज तक कोई सीरीज नहीं की होगी जिसमें मैं इतना परेशान हुआ हूँ भाई साहब ये क्या है हाँ। मेरी काउस मतलब मेरी वो शीप्स भी कहीं डिस्पॉन हो गई पता नहीं कैसे भाई आई वो ना कुट आई वॉन्ट टू क्विट दो दिन हो चुके हैं माइनिंग करते करते अब तो हो जाओ प्लीज मैं थक चुका हूँ हो गई यस द जंगल लेवल सेवन एंड आई थिंक हम लोग को ये लेवल भी जल्दी से जल्दी कंप्लीट करनी पड़ेगी क्योंकि लेवल एट वो स्नो वाली है एंड आई स्वेयर टू गॉड मेरे को ये गेम जल्दी से जल्दी ख़त्म करना है मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ इतना दुख मेरे को कभी नहीं हुआ मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। मतलब ये लोग कुछ ऐसी सिचुएशन ही बना देते ठीक है वो मशरूम का वाला सीन मैं समझ सकता हूँ मैंने गंवार पना किया बट मेरा विलेजर जा चुका है मेरी कैट आउट ऑफ नोवेयर मर गई क्या हो रहा है सब so लोग स्टार्ट कर चुके हैं डिग करना और मेरा मेन फोकस यही है, है इस वीडियो का कि मैं लेवल अप कर डालूँ स्नो वाली तक और इसके बाद आई एम श्योर स्नो वाली लेवल आ जाएगी और मैं बता रहा हूँ मैं गेटिंग ओवर इट खेल लूँ इससे अच्छा है मैं इतना परेशान कभी नहीं मैं फ्रस्ट्रेट हूँ परेशान मतलब दुखी नहीं मोस्टली मैं फ़्रस्ट्रेटेड हूँ कि ऐसे मतलब तुम कुछ भी कर रहे हो मेरा अब ठीक है हो गया सो हो गया सो अब मैं कोशिश करने वाला हूँ कि मैं लेवल जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर डालूँ उसके लिए मैंने एक्स बना लूँगा मैं अभी बनाई तो नहीं है और आई डोंट थिंक अब मेरे को पिक्स की ज़रूरत पड़ने वाली है तो वेस्ट हो गई मेरी डायमंड पिकैक्स शेट मुझे ये नहीं समझ आ रहा है यहाँ पे ये ओशन वाले ब्लॉक्स क्यों आ रहे हैं सलॉट हेलो ये भी नीचे ही गिरेगा मैं जल्दी से लीड ले आता हूँ आई होप ये ना नीचे गिरे थोड़ा सा यहाँ पे माइनिंग करते हैं और फिर मैं इसको ले जाऊँगा मेरे को नहीं लगता नीचे गिरेगा ये थोड़ा सा कलमंद लग रहा है वरना अभी तक तो नीचे जा चुका होता ये ऑसलॉट भाई साहब बहुत समझदार है मतलब ये पूरा एक दिन यहीं पर रह... ओके शेट नहीं समझदार नहीं है ये बट ये खुद ही वहाँ पर जा रहा है तो समझदार है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इसकी चिकन से चिकन्स से नहीं बनती है मतलब ये देखो कितना अग्रेसिव है चिकन्स की तरफ उन्हीं की तरफ घुस रहा है इधर आ जाओ मैं इनको मैंने पहले सोचा था मैं इसे चिकन्स वाले ही उसमें रखूँगा बट अब नहीं इसको मैं अलग क्वाड्रेंट में रखेगा ए घूर किसे रहो <laughs> ये चिकेंस को ढूंढ रहा है नो देखो 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 है कितना अग्रेसिव है चिकन्स की तरफ इधर आओ इसे खोलो हटो इसको अंदर लेते हैं ओ भाई साहब मार भी रहा है मेरे को पता था इधर आ जाए इसको यहाँ पे बांध दूँगा मैं आ तो जाए पहले इधर आओ एक तो शीप अकेली कैसे है बची अब अंदर अरे अरे सब भसड़ क्यों मचा रहे हो अंदर आने दो हाँ जाओ अंदर इसको बंद करो नाइस एवरी थिंग डन अब वो देखो भाई साहब कितना आगे खींच रहा है चिकन की भी फटी पड़ी है सॉरी गैस मैं ज़्यादा एनर्जी नहीं दिखा पा रहा हूँ बिकॉज मेरा मूड काफ़ी ख़राब हो चुका है और मैं काफ़ी डाउन भी फील कर रहा हूँ इस सीरीज़ को लेके बिकॉज इतने सारे गलत सीन हो चुके हैं कि अब मैं बिल्कुल छोड़ चुका हूँ उम्मीद की कुछ अच्छा होगा और मेरे को मन भी नहीं कर रहा अभी आगे कंटिन्यू करने का बट नहीं मैं करूँगा मेरे को पता है कुछ बढ़िया होगा आगे चल के सुपर चेस्ट ये पी ओके ठीक है डाक है मतलब जो नॉर्मल सुपर चेस्ट मिलता है वैसा ही है और एक और चेस्ट डर्ट ब्लॉक नहीं ये तो ग्रास ब्लॉक है और मेरे को पहले भी ग्रा, हाँ ग्रास ब्लॉक्स मिल चुके हैं जो मैं रख चुका हूँ डायमंड्स के साथ बिकॉज वो भी काफ़ी रेयर हैं क्योंकि मेरे पास सिल्क टच की पिकैक्स है नहीं या शिवल या जो भी सिल्क टच नहीं है मेरे पे तो पम तो हाय हाँ। पैरेट मेरे को बिल्कुल खुशी क्यों नहीं हो रही है ओके एकदम सही करते हैं फेक खुशी दिखाते हैं ओ माय गॉड मेरे को पैरट मिल गया ओ भाई साहब ये तो छिझोरापन हुआ अरे उड़ो नहीं भाई साहब ये वहाँ पेड़ों पे मत बैठना जाके भाई साहब पेड़ बहुत बड़े बड़े हो गए हैं नीचे आ जाओ देखो मेरे हाथ में सीड है हाँ ठीक है वहीं बैठना मैं ऊपर आ रहा हूँ अरे यहाँ पे स्लैब लगे हैं पहले यहाँ नीचे स्लैब हटाओ एक ध्यान से हटाना पड़ेगा अगर स्लैब नीचे गिर गया तो सीन हो जाएगा अब हम लोग ऊपर जाएंगे होला हो गया टीम, नाइस स्टैंड करवाओ ये मेरे कंधे पे भी तो बैठता है ना बट मैं इसको अभी ऐसे भगा के ले जाऊंगा एकदम वहाँ पे अपने बेस पे और वहाँ पे बैठा दूंगा मेरे कंधे पे बैठ जाओ नाइस ये देखो वेल डन नाइस अब इसे यहाँ पे बैठा दिया मैं इसका नेम रख लूंगा बट तो वहाँ पे एक okay, ओके अभी और नहीं खाएगा। वहाँ पे निर्डरिंग ट्रेडर है उसके पास बहुत भयंकर भयंकर चीजें हैं तो पहले मैं वो उसे परचेज कर लेता हूँ मैं क्या बोलूँ आज मेरे को बिल्कुल कुछ मन भी नहीं कर रहा बोलने का थैंक्स फॉर द लीड अरे खराब ही करके जाना है मेरी फार्म को ये लामा होते भाई दोष हैं हाँ तो मैं ये थोड़ी सी रूटेड डर्ट लूँगा जो शायद वहीं कहते हैं और इतनी काफ़ी होगी इसका काम क्या होता है मेरे को पता नहीं है थोड़ी सी ये लेंगे लीव सी मेरे को पता नहीं है क्या है बट अच्छी लग रही है देखने में सर डेकोरेशन में काम आएगी और ये कौन सी माइसीलियम कहते हैं इसे पता नहीं और यार मैंने सारी टाइप की डट्स ले ली अब तुम्हें मरना होगा सो so, अपने पैरट का नाम होगा एटॉमिक एक्स <laughs> बहुत अजीब नाम लगेगा पैरेट पे बट चलो ठीक ही है एटॉमिक एक्स डन ओके वन गई एक्सपी कोई बात नहीं हो गया ये पी चलो मैं थोड़ा तो खुश हुआ अब मेरे पास एक कंपेनियन आ गया वरना मैं अकेला इस पूरी दुनिया में <laughs> और आई डोंट थिंक अब ये ज़्यादा बची होगी लेवल और हम लोग जल्दी लेवल एट पे जाने वाले हैं सो लेट्स सी क्या होता है लेवल एट या सेवन पे जाएंगे मुझे पता नहीं है मैं भूल गया हूँ मुझे एक चीज़ नहीं समझ आ रही जब भी मैं ये जंगल लॉक को तोड़ता हूँ तो मुझे कोकोआ बीन्स क्यों मिल जाते हैं <laughs> पता नहीं और यस yes, मैं स्टोन एक्स यूज़ कर रहा हूँ बहुत गरीबी आ चुकी है एंड मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ और मेरे को बड़े बड़े जंगलों के जो ट्रीज़ होते हैं बहुत बड़े बड़े वाले उनकी भी सैपलिंग्स मिली हैं चेस्ट में बट तीन ही मिली हैं तो तीन में तो शायद ही वो हो गए चार लगती हैं ना शायद पूरा एक बड़ा सा उगाने में ओ पांडा नहीं नहीं पागल क्या किया तुमने वो गुलाटी मारते मारते डायरेक्ट वॉर्ड में गिर गया <laughs> मतलब ज़्यादा ही मस्ती चढ़ी थी भाई साहब हरकतें मतलब अपनी मस्ती में वो चला गया वॉर्ड में अब उसको खुशी खुशी में दर्द हो गया होगा मेरी mm. एक्स चली गई ओ लेवल अप हो गई स्नोबर्ड लेवल, लेवल एट लेट्स गो एंड आई होप मेरे को मिल जाए इसमें एक विलेजर अगर नहीं मिलता तो मुझे बहुत दिक्कत होगी एंड मोस्टली इसमें आइस होने वाली है और मेरे पास सिर्फ टच की पिकैक्स भी नहीं है सो so, गलत सीन मुझे पता है इस तोड़ने से क्या होगा बट तभी मैंने तोड़ दिया है और पानी पानी हो गया बट न्यू ब्लॉक नहीं है हुआ मुझे नहीं पता था ऐसा होगा <laughs> अब इसको हटाएंगे तो शायद हो जाना चाहिए ये yes. सो आई थिंक दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज और मिलता हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में एंड मैं कोशिश करने वाला हूँ मैं मैं इस सीरीज़ को जल्दी से जल्दी ख़त्म कर दूँ वरना ये बहुत बोरिंग होती जा रही है और अनलकी तो है ही सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड खाते पीते रहो यार मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में बाय